मंत्रीगण जो शपथ लेंगे उनसे आग्रह है कि माननीय राज्यपाल महोदय दो बार मैं बोलेंगे और उसके बाद वो अपना शपथ स्वयं पढ़ेंगे। अब माननीय राज्यपाल महोदय डाइस पर पधार रहे हैं, थोड़ी देर में समारोह आरंभ होने वाला है। माननीय राज्यपाल महोदय के डाइस पर पधारते ही राष्ट्रगान होगा। आप सभी महानुभावों से उस वक्त आग्रह होगा कि आप अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। नीचे करो ये मोमेंट आ रहा है इंडियन ओ भाई आगे मोनोबोर्ड या ऊपर बंद में ये शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां से आयोजन पूरा शुरू हो चुका है। कुछ देर में मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करा। अनुमति है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया मनोनीत माननीय मंत्रियों को शपथ ग्रहण करा। औपचारिक रूप से अनुमति श्री बीडी कल्ला जी। बीडी कल्ला जी सबसे पहले बीडी कल्ला शपथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उन्होंने बीडी कल्ला का नाम पुकारा है। बीडी कल्ला मैं बुलाकीदास कल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बुलाकीदास कल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में आज के आयोजन में श्री शांति कुमार धारीवाल शांति धारीवाल पूर्व सरकार के अंदर गृह मंत्री और यूडीएच मंत्री का कार्यभार है संभाला और एक तरह से पिछली बार विधानसभा के अंदर दिग्गज नेता मैं शांति कुमार धारीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शांति कुमार धारीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। शांति धारीवाल ने यहाँ पर शपथ ली है और बीती कल्ला के बाद में दूसरी नीचे चेहरा होंगे गहलोत कैबिनेट के। ये दो शुरुआती जो नाम है बीती कल्ला और शांति धारीवाल, एक तरह से सरकार के संकट मोचक की भूमिका में भी आपको नजर आएंगे क्योंकि इनका वास्तव अनुभव है, अनुभव है अपने आप में महत्वपूर्ण है। और पिछली सरकार के वक्त भी जो शांति धारीवाल है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, या हम कह सकते हैं जी प्रसादी लाल मीणा जी इकलौती मंत्री थे जो संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे थे। प्रसादी लाल मीणा तीसरा नाम, ये भी लालसोट से चुनाव लड़ते हैं, पिछली दफा चुनाव लड़े थे कांग्रेस के। मैं प्रसादी लाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रसादी लाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पिछली दफा सरकार थी वो गहलोत सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी और इसके बावजूद वो चुनाव लड़े और चुनाव करके चुनाव उन्होंने अपना चुनाव जीता और फिर सरकार को समर्थन दिया, अल्पमत की सरकार को समर्थन दिया। इस बार प्रसाद लाल मीणा को टिकट मिला, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बने और मास्टर मोहनलाल मेघवाल जी शपथ ग्रहण की। अब अगला नाम मास्टर मोहनलाल मेघवाल, पूर्व सरकार में गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मास्टर मोहनलाल मेघवाल के पास में थी, बीच में उनका मंत्री पद है वो उनका उनकी जगह पे मैं जिम्मेदारी मिली थी। आइए देखिए, मैं मास्टर मोहनलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तब मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मास्टर मोहनलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री लाठिंग कटारिया जी के बाद में अगला नाम पुकारा गया है लालचंद कटारिया, जयपुर ग्रामीण के सांसद है, पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री गहलोत सरकार में। मैं लालचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लालचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लालचंद कटारिया का नाम कैबिनेट मंत्री, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अगले 5 साल डॉक्टर रघु शर्मा रहेंगे। रघु शर्मा सांसद अजमेर से सांसद चुनाव जीता, चुनाव जीता कद बड़ा और एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा कि इटली से चुनाव जीत कर आए। मैं डॉक्टर रघु शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर रघु शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रमोद जैन भाया मैं प्रमोद भाया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रमोद भाया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री विश्वेंद्र सिंह जी विश्वेंद्र सिंह भरतपुर का जाना पहचाना चाहिए।
मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों को के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। चुनाव जीत कराते रहे हैं और अपनी गणेश अलग फ्रेम टाइट रख शपथ ले रहा है अपना अलग नजरिया है वो भी बाकी सब क्या है कैबिनेट मंत्री श्री हरीश चौधरी अगला नाम सांसद राजनीति में सक्रिय थे मैं हरीश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। क्षेत्र में बड़ा है और उसको मान्यता देते हुए यहाँ पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है वो दिया गया है। पहले संसद में सचिव थे श्री उदयलाल आंजना मैं उदयलाल आंजना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।